नमस्कार मित्रों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 12 की जो पोएम, आठवीं पोएम है, माई हेवन, कंपोज्ड बाई रविन्द्रनाथ टैगोर का सेंट्रल आइडिया। मुख्य केंद्रीय भाव जो है उसको कुछ यहाँ पर नैरेट किया है रविन्द्रनाथ टैगोर ने, उसको बताया उसके बारे में क्या वो कहना चाहते हैं, उसका केंद्रीय भाव क्या है। तो चार छः पंक्तियाँ, चार छः लाइन यहाँ पर दी हुई हैं, तो उसका देखिए केंद्रीय भाव समझ लीजिए। और इस कविता का हिंदी में अनुवाद, हिंदी में इसकी व्याख्या मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अबाउट द पोएम, दिस पोएम इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द फेमस वर्क ऑफ टैगोर, गीतांजलि। यह जो कविता है इज एन एक्सट्रैक्ट माने होता है उद्धरण, फ्रॉम द फेमस वर्क ऑफ टैगोर, जो टैगोर की लिखी हुई जो प्रसिद्ध एक पुस्तक है, रची हुई प्रसिद्ध पुस्तक है गीतांजलि। गीतांजलि से लिया गया ये एक भाग है, गीतांजलि का एक हिस्सा है, जिसको माई हेवन शीर्षक देकर के कवि ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत कविता टैगोर के द्वारा रचित गीतांजलि, जो एक बहुत बड़ी पुस्तक है, प्रसिद्ध पुस्तक है, उसका ये एक अंश है। इन दिस पोएम द पोएट एक्सप्रेसेस हिज लॉफ्टी कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम। इस कविता में लेखक जो कवि हैं वह स्वतंत्रता की उच्च भावना, जो उच्च अवधारणा होती है स्वतंत्रता की, जो सबसे अधिक मूल्यवान या मान लीजिए जो सबसे आधारभूत जो भावना होती है, जो धारणा होती है, परिभाषा होती है, उसको दर्शाते हैं, उसको बताते हैं। स्वतंत्रता की मुख्य परिभाषा क्या होती है उसको यहाँ दर्शाते हैं। ही वांट्स फ्रीडम इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आज़ादी चाहते हैं, स्वतंत्रता चाहते हैं, सोशल और स्पिरिचुअल, चाहे वो सामाजिक हो या आध्यात्मिक हो। टैगोर लव्ड इंडिया वेरी मच। टैगोर भारत से बहुत प्रेम करते थे, एंड वाज ए ट्रू पैट्रियट, और सच्चे देशभक्त थे। इन दिस पोएम ही एक्सप्रेसेस हिज लव फॉर इंडिया। इस कविता में वह भारत के लिए अपने प्रेम को दर्शाते हैं। सो ही डिस्क्राइब्स व्हाट टाइप ऑफ कंट्री ही वांट्स एंड प्रेज टू गॉड लाइकवाइज। और इस कविता में इसलिए हमें दर्शाते हैं, बताते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, वर्णन करते हैं कि उनको किस तरह का देश चाहिए, और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जैसा उन्हें देश चाहिए वैसा ही उनका देश बना दें। ये ईश्वर से उनका निवेदन है। ही इमेजिन्स ए कंट्री वेयर द पीपल्स माइंड शुड बी फ्री फ्रॉम फियर एंड नैरो माइंडनेस। वो कल्पना करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और कल्पना करते हैं कि उनका देश ऐसा बन जाए, ऐसा हो जाए जहाँ पर व्यक्ति स्वतंत्र रूप से सोच सके और भय से और संकीर्ण विचारधाराओं से वो दूर हो जाए। वो ऐसा देश चाहते हैं जहाँ पर व्यक्ति निर्भीक होकर जिए, संकीर्ण भावनाओं में ना फंसा रहे, और जहाँ पर व्यक्ति स्वतंत्र विचारों वाला हो, अर्थात स्वतंत्र, जो सत्य बोल सके, सत्य का अनुगमन कर सके, और जो ईश्वर के बताए मार्ग पर चल सके। देयर शुड बी नो डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट। वहाँ पर जातिगत कोई भेद ना हो, जातिगत कोई भिन्नता ना हो, रेस प्रजातियों में जो जाति हैं, जो उपजातियाँ हैं, ठीक है, जो वर्ग हैं उनमें, और लैंग्वेज और भाषाओं में कोई भेद ना हो। ही वांटेड टू मेक हिज कंट्री हेवन ऑन अर्थ। वो अपने देश को इस पृथ्वी का स्वर्ग बनाना चाहते थे, वह अपने देश को इस पृथ्वी का स्वर्ग बनाना चाहते थे। तो ये रही माई हेवन कविता, और उसका यहाँ पर सेंट्रल आइडिया, मुख्य केंद्रीय भाव आपको बता दिया। तो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और बने रहिए लगातार हमारे साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।